रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सदका तीन तरह के लोगों के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं। पहला वो शख्स जो किसी का बोझ खुद उठा ले तो इसके लिए मांगना दुरुस्त है, यहाँ तक कि इससे इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और दूसरा वो शख्स जो किसी नागहानी आफत का शिकार हो जाए और वो इसका माल तबाह कर दे तो इसके लिए मांगना जायज़ है, यहाँ तक कि वो इसे पाले फिर रुक जाए। तीसरा वो शख्स जो फाके का शिकार हो गया हो, यहाँ तक कि इसकी कौम के तीन समझदार अफराद गवाही दें कि हाँ वाकई फलान शख्स फाके का मारा हुआ है तो इसके लिए मांगना जायज़ है, यहाँ तक कि इसके गुजारे का इंतज़ाम हो जाए। इसके अलावा मांगने की जो भी सूरत है हराम, और जो कोई मांग कर खाता है हराम खाता है।